रहने वाला रूम है, यहाँ पर चेक इन कराया हमने। हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ, चलो फिर, चलो चलो डन है फिर। अब हमने एक पॉपकॉर्न लिया और मजे से पॉपकॉर्न खा रहे हैं। अभी कितना दूर है भैया? 15-20 मिनट का रास्ता। अच्छा अच्छा, 15-20 मिनट का रास्ता है। हमारा दोस्त बन गया भाई, ये दोस्त बन गया हमारा। देख साथ में चलेंगे अब। ऐसे दो रास्ते थे, मैंने कहा पहले पूछ लेते हैं, अगर ना इसमें चलो वो वहाँ तक पहुँच गए, फिर वहाँ से वापिस आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है ये वाला रास्ता लग रहा है गनहिस पॉइंट का। चलो देखते हैं यार, ये किसी लोकल से पता कर लेंगे, है ना। पतले टेढ़े मेढ़े पता नहीं कैसे कैसे रास्ते हैं, वहीं फिर पक्का कंफर्म भी नहीं है, कंफर्म भी नहीं है उसी रास्ते में, पता नहीं कौन से हैं। हाँ सो हो गया काम। बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहाँ पर, पता भी नहीं था रोड क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहुंच चुके हैं। हंटेड हाउस को जा रहा है क्या इसमें? ओ भाई, ऊपर इतनी तगड़ी मार्केट है, लग नहीं रहा था। ये था गन हिल्स पॉइंट, लेकिन कौन है कुछ सब कुछ बंद है। अभी देख रहे हो ये, जब यहाँ पर साफ होता ना मौसम, ये पूरा टेबल भरा होता है, और यहाँ से भी ये पूरा नीचे तक, क्योंकि ये जो व्यू पॉइंट है ना वहाँ के मजे लेते हैं यहाँ पर चाय कॉफ़ी पीकर सामने बैठकर। तो ये वाला था ना, यहाँ से कई हिमालय वाले दिखते और बहुत बहुत बड़े पहाड़ दिखते, लेकिन पूरा फॉग लगाया है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पर चढ़े पैदल। अच्छा, कि पॉइंट दिख जाए, वो बोल रहे थे ना उस टाइम साफ हो जाएगा, जो साफ हो रहा था बीच में, अभी फिर से फॉग लग गया यार, कुछ नहीं दिखा। तो इतना मूड खराब हो गया ना, इतनी मेहनत करके ऊपर तक आए यहाँ पर, अब अगर साफ होता तो कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। अब जब यहाँ पर आए गए थे तो करने को तो कुछ था ही नहीं, अभी हमारे पे मंगाए चाय बर्गर, और अब बस ऐसे नज़ारे ले रहे हैं। साफ होता तो कितना मज़ा आता, यहाँ बैठकर हम चाय पी रहे होते और व्यू का एंजॉय ले रहे होते, कितना मज़ा आता, लेकिन क्या करें यार, किस्मत में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब करेंगे। यह है रोपवे का रास्ता, नीचे से जो रोपवे आता है यहाँ उतारता है, और यहाँ से ये पूरी मार्केट है घूमने का। फॉग में दिख नहीं रहा ठीक से, तो हम लोग ना रोपवे से नहीं आए थे, क्योंकि अरे यार अपने लोग आ सकते हैं, इतने ज़्यादा ऊपर नहीं है वैसे। तो यहाँ से क्लब महिंद्रा के कॉटेज हैं, और यहाँ पर ना क्लब महिंद्रा के 35 कॉटेज हैं, अगर आप रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। और जो हम जहाँ पर पॉइंट में गए थे ना गन हिल्स पॉइंट, वो भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो आप सबसे अच्छा अगर यहाँ कॉटेज लो और आगे गन हिल्स पॉइंट के मजे लो, अगर आना चाहो तो आप आ सकते हो। किसी भी लोकल से पता कर लोगे ना कि पैदल रास्ता कहाँ से गन हिल्स पॉइंट का, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 500-600 मीटर है, अगर पैदल चल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 20-25 मिनट का मजे लेते रहते होगे। और जो रास्ते के व्यू ना वो भी भाई साहब एक नंबर व्यू आते हैं। अपनी फोन से ना उतार रहे थे होटल जाने वाले, और ये अपने होटल है उसके ऊपर है ये पार्किंग अपनी, वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी है। अच्छा पार्किंग का सही है, यहाँ से रोड जाओ सीधा ऊपर पार्क करो, नीचे अपना होटल है, और होटल से भी अच्छा व्यू है, लेकिन मौसम नहीं खुला, अगर मौसम खुलेगा ना सुबह तो दिखाई है, और मौसम खुलेगा ना तो यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आएगा। तो अभी पहुँच गए अपने होटल में हम, और कुछ कपड़े के लिए हो गए हमारे, तो हमने कुछ यहाँ पर डाल दिए सूखने, और गर्मी वहाँ पर सूख रहे हैं। तो हमने अभी दो पॉइंट छोड़ दिए हैं, एक तो लाल टिब्बा और दूसरा कैमल बैक रोड था, तो वो भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपने गन हिल्स पॉइंट में देख लिया था यार कितनी फॉग थी, और ऐसे में हम जाते तो कोई दिखा नहीं पाते। तो अभी आज भी हम नहीं रुके हैं होटल में, अभी हम वेट कर रहे हैं मौसम खुलने का, अगर सुबह मौसम खुलता तो पास साहब एकदम तगड़े व्यू आने वाले हैं,
उन दोनों पॉइंट में। तो अभी वेट करेंगे सुबह तक, भगवान करे यार मौसम खुल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अगर मौसम नहीं खुला तो हम यहाँ से लोकेशन चेंज कर देंगे, क्योंकि डनिस पॉइंट में जब कुछ नहीं दिख रहा था तो वहाँ पर जाना भी बेकार था, ठीक भी ज़्यादा गए थे। तो अभी होटल में आ गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी देखते हैं उसके बाद रात हो जाएगी तो रात के लिए मार रोड में घूमने के लिए निकलेंगे। और कल का वेट करना है यार, भगवान करे कल मौसम खुल जाए, उसके बाद तो भाई मज़ा आने वाला है, बहुत तगड़े तगड़े व्यू मिलने वाले हैं। भाई निकलने का मन नहीं कर रहा सच में यार, बारिश हो रही है बहुत, भूख भी लग रही है, खाना नहीं खाएंगे यार वहाँ, ठीक है ना। यार ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे नहीं खा रही खाना भाई, पैक करा के लाएंगे बाहर, मेरे को मन नहीं करना निकलने का। तुमने पहन लिए कपड़े अपने अपने? हाँ पहन लिए। आधे को देखो ना पहले, वो उठ नहीं रहा है मेरे को कह रहे। अरे भाई मेरे को सूट पहनने बस, कौन से पहनने? अरे बारिश की हो रही ना, मन नहीं करता निकलने का। अरे करण भाई तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तुम उठो यार बिस्तर से यार, सबको जाना पड़ेगा भाई। भाई वाकई में ठंडे टेम्परेचर होगा 19-20। अरे ज्यादा कम होगा यार, 1500 होगा भाई। खाना नहीं खाएंगे, वहाँ खाना पैक करा लाएंगे यार, यही खाएंगे भाई, सही ना रूम में लाके। मेरी हिम्मत भी नहीं बहुत, करना है कुछ। हमारा मैं तो बन गया फौजी के, देखो करना है कुछ। हमारा यार भाई ये तो निरा कर भाई, किन भाई उठो यार, यार सब कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ चलना पड़ेगा, रोटी सब खाएंगे आप चलेंगे। ऐसा ना पॉन्चो पहन लेते हैं भाई, बारिश हो रही बहुत, ठीक है ये चिप्स लानी पड़ेगी, नाराज हो गए यार ये एक चिप्स के चक्कर में पहन लेते हैं यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों साथ शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।